डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेट SET की बात करेंगे, जिसके माध्यम से आपका क्लास छठवीं, नवीं और साथ में ग्यारहवीं के अलग अलग स्ट्रीम में आपके जो होते हैं एडमिशन प्रोसेस होते हैं। तो आज के सेशन में हम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। 2022 में फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने चाहिए उसकी बात करते हैं, क्या क्या आपको जो है योग्यता उसमें रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्लास छठवीं की बात करते हैं। इसके माध्यम से आपका छठवीं, नवीं और ग्यारहवीं की अलग अलग आपके स्ट्रीम में एडमिशन होता है, जो आपकी प्रवेश परीक्षा के द्वारा आपका एडमिशन प्रक्रियाएं कराई जाएंगी। तो छठवीं की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो आपके 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। जी हाँ, बच्चे की आयु 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। जो आपके एज काउंट किया जाएगा वो आपका 30 सितंबर 2022 से काउंट किया जाएगा। 30 सितंबर 2022 से सभी आपके जो हैं क्लासेस की एज जो हैं काउंट किए जाएंगे। अब हम 9th एस्पिरेंट्स की बात करें तो आपकी एज 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ, 13 ईयर से लेके 15 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप क्लास 9वीं में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को तो। और अगर हम क्लास 11th एस्पिरेंट्स की बात करें तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी 18 साल से लेस देन होनी चाहिए। 18 साल से आपकी आयु कम होनी चाहिए और जो एज क्राइटेरिया होगा वह आपका काउंट किया जाएगा 30 सितंबर 2022 से। अब हम बात कर लेते हैं छठवीं की। तो बच्चा जो है पांचवी क्लास में पढ़ता होना चाहिए, क्योंकि कि पांचवी क्लास का आपको मार्कशीट OTC इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी तो उसमें आपको देना पड़ेगा। और क्लास 9वीं की अगर हम बात करें तो बच्चा जो है क्लास 8वीं में पढ़ते होना चाहिए। और साथ में अगर हम बात करें 11th ग्रुप की तो बच्चा जो है क्लास 10वीं में पढ़ रहा हो या जो है इससे पहले जो वाले ईयर में जो है पास आउट हो चुका हो, बच्चे जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पे आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने जो भी आपके प्रश्न हैं उसको पूछ सकते हैं। इसी तरीके के छोटे बड़े अपडेट्स के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप जो है ऑनलाइन कोर्सेस में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।